दोस्तों, अगर आप भी किराना स्टोर चलाते हो या फिर खोलने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों, आज के कंपटीशन मार्केट में ज़रूरी ये नहीं कि आप सामान कितना अच्छा बेच पा रहे हो या फिर आपकी सेल कितनी अच्छी है। ज़रूरी ये है कि आप कहाँ से माल खरीद रहे हो, आप कहाँ से सामान ले रहे हो, क्या वो सही जगह है, क्या आपको सही मार्जिन मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम माल कहाँ से खरीदें और होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हम कहाँ से खोजें। तो दोस्तों, बेसिकली बात कर ली जाए तो हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसे बात कर लें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, जैसे HUL जिसके प्रोडक्ट्स हो गए आपकी एक्टिव व्हील, लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सल, यही सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिकती है FMCG कैटेगरी में। तो दोस्तों, इसका प्रॉफिट मतलब इसका रिटेल में मार्जिन दोस्तों 10% मिलता है। अगर आप बात कर लें अर्बन एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ में आपको 10% देखने को मिलता है। अगर यही आप अगर रूरल एरिया में हो या फिर गांव देहात में हो, वहां पे अगर एजेंसी है तो आपको 2-3% एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्योंकि देखिए, रूरल एरिया में दोस्तों मार्केट बहुत ही तगड़ा होता है। वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंसी वालों को कि माल कहाँ बेचें। जैसे माल आया एजेंसी में, तुरंत एक ठेला वालों को बोल दिया, एक ही बार में सारा माल सप्लाई, उसको टेंशन ही नहीं होता है। लेकिन रूरल में ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जैसे गांव देहात में खुलेगा तो वहाँ पे बहुत ही कम डिमांड है, उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्ट को सप्लाई करने पर, इसीलिए उसको 3% ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप सोच समझ के या फिर अच्छे से डिसीजन लेके अगर रूरल एरिया में एजेंसी खोजें या फिर बोल लें देहात में एजेंसी खोजें, तो आपको ज़्यादा 2% या 3% आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे से अपना मार्जिन बचा सकते हो दोस्तों। तो बात हो गई ये, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ज़्यादातर दुकानदार शुरू शुरू में गलती ये करते हैं कि एजेंसी से हट के मतलब जो जो प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल है या फिर ब्रांड है, उनको छोड़ के वो अदर प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं जो कि नए नए लॉन्च हुए हैं। वो ज़्यादा ऑफर्स देते हैं, आप इतना सेल कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, इसमें आपको इतना फ़ायदा है। जहाँ से बात कर लें हम होलसेलर भैया या फिर महाजन के बारे में, तो दोस्तों उनको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तभी तो आपसे इतना प्रेम से बात करते हैं, सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं आपको। लेकिन इसमें डिमेरिट ये है कि दोस्तों, अगर वो सारा प्रोडक्ट आपको खरीदारी रेट पे या फिर लो मार्जिन पे आपको दे दे, तो उसको बचेगा क्या, फ़ायदा क्या होता है। ज़्यादातर महाजन क्रेडिट में काम करते हैं, यानी कि उधारी में। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो आपको उधारी में भी दे सकते हैं वो। तो ऐसा ये वो क्यों कर रहे हैं दोस्तों? महाजन एक बहुत ही अच्छी ट्रिक अपनाते हैं। जैसे आपको एक्टिव व्हील जो है, जैसे ये सर्फ है, एक्टिव व्हील है यहाँ पे रखा हुआ, देखिए एक्टिव व्हील है, एक्टिव व्हील की दाम हर एक आदमी को पता है कि ये 35 की बिकती है और ये 35 का बिकेगा ही। और चीनी का, तेल का, या फिर आलू प्याज, इस सब का दाम हर एक आदमी को मालूम होता है। लेकिन आपको कभी इलायची का, ड्राई फ्रूट्स का, ये सब का दाम नहीं पता होगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, इसी में प्लस पॉइंट है उनके लिए दोस्तों। आपको जिस जिस कैटेगरी में जानकारी होगी या फिर जिस कैटेगरी में जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा, उनको वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको सामने वाले को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है या फिर इस प्रोडक्ट को वो सस्ते में खरीदेगा तो वो खुश हो जाएगा हमसे। उसी हिसाब से वो आपको सामान बेचते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, मुद्दे की बात कर ली जाए। तो हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी को हम कैसे खोजें। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपके आसपास में जितने भी होलसेलर या फिर जितने भी दुकानदार हैं जो कि बहुत पहले से दुकान चला रहे हैं, उनसे आप डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर बताएंगे नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे सामने एक कॉम्पिटिटर आ जाए जो हमको टक्कर दे। तो इसीलिए ज़्यादातर दुकानदार आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। इसका एक हल है दोस्तों। अगर
अगर उस मार्केट में आपका आना जाना लगा रहता है तो बराबर आप जाके देखिए, क्योंकि हर एक एजेंसी का अलग अलग होता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का सोमवार को है तो ITC का मंगलवार को होगा, मेडिको का पार्ले का होगा बुधवार को। ऐसी अलग अलग रूट में अलग अलग एजेंसियों की बीट होती है, तो उस बीट पे आपको उनके पास जानकारी लेने के लिए आपको तैनात रहना पड़ेगा। एक हफ्ता का टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको आपके पास बहुत ही अच्छी जानकारी आ जाएगी। जो ही उनके पास एजेंसी वाली गाड़ी आए तो आप डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं और आपके पास वो सामान डायरेक्टली आपके दुकान पर पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हर एक आदमी चाहता है कि उनका सेल हो अच्छे से, उसकी उसके माल बिके या फिर उसकी उसकी सेल बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि कंपनी हो, रिटेलर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंसी हो, अल्टीमेटली उनका फाइनल गोल यही है कि हमारा माल बिके, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ। तो दोस्तों, आपको घबराने की नहीं कोशिश करनी है, कोशिश ये रखनी है कि आप अपना मार्केट में पकड़ बनाएँ, अपनी पहचान बनाएँ। एजेंसी वाले आपके पास खुद आएंगे दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे एजेंसी वाले आएंगे ऑफर्स लेके हमारे से माल लीजिए। तो घबराने की बात नहीं है, शुरू में सबको दिक्कत होता है, हम लोगों को भी दिक्कत हुआ था, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से हम अपना स्मूथली बिजनेस कर पा रहे हैं और चला पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।